अब तो मिला के पीते हैं दारू शराब में, सब तो मिला के पीते हैं दारू शराब में, मैं तो मिला के पी गया बोतल शराब में। ओ बेटे, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए इसके बिना तो वाकई में जीवन है ना अधूरा होता है। तेरे लिए एक सॉन्ग और डेडिकेट करता हूँ। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था बाजुओं में बंद रह गया। अब मेरा खाने का टाइम हो गया, तुझे कुछ देर वेट करना पड़ेगा। ओके, अरे ओ मेरी सजनी, ओ सजनी बाहर आ। क्या है, कभी तो आराम से खाना खा लिया करो, हरदम चिल्लाते रहते हो। अरे मेरी सजनी, कभी इन जुल्फों को संवार लिया कर। रहने दो ना जी, आप भी ना। अरे ओ मेरी सजनी, ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, अगली बार खाने में अगर बाल आ गया ना तो माँ कसम सजनी से गजली बना दूंगा। आप चुप रहो जी, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। ये तो भगवान का शुक्र मनाओ कि आपको मेरी जैसी सीधी साधी लड़की मिली है, वरना कोई तेज तर्रार मिलती ना तो अब तक आपकी अक्ल ठिकाने आ जाती। मेरी बात सुन, ये तो मैं हूँ, मैं जो तेरे साथ ये रिश्ता निभा रहा हूँ। वैसे ना अब ना पानी ना सिर के ऊपर से बह चुका है, द वाटर इज ऑन हेड, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मगर शाम को आते वक्त 2 किलो आटा लेके आना, हमेशा कहते हो और फिर भूल भी जाते हो। और एक बात सुनो, आज तो नदी में छलांग लगा ही देना, रोज का टेंट ही खत्म हो जाए। ए, मेरी बात सुन, ये तेरे रोज रोज के ताने ना ये नहीं चलेंगे, एक ना एक दिन ये काम भी मैं कर ही दूंगा, सोच लेना। अभी तो वैसे मैं तैरना सीख रहा हूँ, जिस दिन मुझे तैरना आ गया ना तो माँ कसम मैं तुझे नदी में छलांग लगा के भी दिखा दूंगा, फिर देखती रहना तू। चलो मुझे कुछ पैसे उधार दे तू। पैसे किस लिए? अरे तू पागल है क्या? वो दुकानदार मेरा बाप लगता है क्या जो मुझे फ्री में आटा देगा? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, समझ गए? और तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये दारू दारू पीने के लिए तुम्हारे पास बड़े पैसे आ जाते हैं, और घर का सामान लेने के लिए कहो तो हाथ खड़े। शर्म की बात कर रही है ना तुम, शर्म आती है मुझे मेरी सजनी, तेरी कसम मुझे बहुत शर्म आती है। लेकिन जैसे ही मैं शराब की दुकान के आगे से गुजरता हूँ ना, शर्म मेरा साथ छोड़ देती है। अब तू ये बता, इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती तो शर्म की हुई ना। हे भगवान, इसने छोड़ी शर्म और मेरे फुट्टे करम। देख तू इसकी बात का बुरा मत मानना बिल्कुल भी, तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, प्रॉमिस कर। कर दिया, ओके, लव यू टू।
धोनी बेटा, चार ही गेंदे बची है, पांच ही रन चाहिए सिर्फ। हाँ, ये आया सुनील नारायण। अरे निकाल दी ना खाली, चल कोई बात नहीं, तीन बोले बाकी पड़ी है धोनी बेटा, तुझे खीर खिलाऊंगी। हाँ धोनी क्या कर रहा है, देख के खेल ले बेटा। हाँ बेटा ध्यान से, दो ही गेंदे बची है बेटा, भारत की इज्जत तेरे हाथ में है, पांच ही रन बनाने। अरे क्या कर, आउट हो जाता है अभी, ऐसे मत खेल बेटा, ऐसे मत खेल, लास्ट गेंद बची है धोनी, दो दे पांच। चकिया, अरे मेरा बेटा जीता रे, जीता रे बहू की। क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, इतनी खुश हो गई हूँ। अरे मेरा धोनी जीता रे बेटा, जीता रे। माता जी 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दो, आपका कल्याण होगा। मैंने भिखारी तो बहुत देखे, पर दूल्हे की ड्रेस में पहली बार भिखारी देख रही हूँ। अरे तू भिखारी कैसे बन गया रे, तू तो बहुत अच्छे घराने का लग रहा है। माता जी मैं जिस दिन दूल्हा बना उसी दिन से भिखारी बन गया। बेटा मैं समझी नहीं तू क्या कहना चाहता है, पूरी बात समझा। तो सुनो माता जी, मेरी पत्नी की डिमांड शादी के दिन से शुरू हुई थी। मेरे लिए आज सोने का हार ला दो, मैंने आज शॉपिंग करने जाना है, मैंने आज मॉल में फिल्म देखने जाना है, मैंने आज रेस्टोरेंट में खाना खाना है। सच पूछो तो माता जी मैं उसकी डिमांड पूरी करने के चक्कर में भिखारी बना हूँ। अरे बेटा इसमें भिखारी बनने वाली कौन सी बात है, एक बेचारी पत्नी अपने पति से ही तो चीजों की डिमांड करेगी ना, और क्या पड़ोसियों से करेगी। आप बात तो सही कह रहे हो माता जी, पर आदमी को पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो। मैं समझी नहीं बेटा तू क्या कहना चाहता है, ढंग से समझा। तो सुनो माता जी, मैं दिहाड़ी मजदूरी करके रोजाना 400 रुपए कमा कर लाता हूँ, और मेरी धर्म पत्नी जी का 1000 रुपए रोजाना फजूल का खर्चा है, और उसके फालतू खर्चे की वजह से मैं लाखों रुपए का कर्जाऊ हो चुका हूँ माता जी। अब आप ही बताओ माता जी, मैं भीख ना मांगू तो क्या करूँ। तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, यही होता है जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो। मेरा सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो फिजूल खर्ची ना करें, पैसों की अहमियत को समझें। एक औरत घर में पैसे जोड़ जोड़ कर उस घर को स्वर्ग बना देती है, और एक औरत ही फिजूल खर्ची करके उसी घर को नरक बना देती है। हाँ बहनों और भाइयों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।